बस्मिल्ल राम असल मैं हूँ सभी काजमी आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब नाजीन आज का बड़ा अहम दिन और दो दिन पहले मैंने आपको बल्कि खबर दी थी आर्मी चीफ अमेरिका के दौरे के लिए आज उस दौरे की तफसीत वो भी आपके सामने रखता हूँ कि ये पाकिस्तान के लिए बड़ा अहम दौरा इस दौरे में बहुत से ऐसे मामला बिफोर एलेक्शन भी हैं आई मैं बहुत सारे मामला में बात करता हूँ लेकिन जलसा मीनारे पाकिस्तान पर पी डी एम के हुए तमाम जलसों से बड़ा जलसा शेरफ अमरवत ने अपना वादा पूरा किया और बड़े ख़ास अंदाज़ में जलसा गांव में एंट्री भी मारी और जो लोग सवाल पूछ रहे थे खैबर पख्तनख्वा तो जा गया पंजाब का भी जागेगा हकीकी आज़ादी के लिए पंजाब भी जा गया, गया। लाहौर की सड़कों पर इमरान खान जिंदाबाद और जमान पार की रौनकें भी बहाल हुई तहरीक साहब के वर्कर जमान पार खान के घर के बाहर खड़े होकर वहाँ नारे मारते रहे और आज पीपल्स पार्टी का भी जलसा था हकीकी मानों में लाहौर में बढ़ गया मैं मजाक नहीं करा बुरे हालात में यकीन कर बड़ा अच्छा खाना दे के पैसे दे के भी बंदे नहीं आए सवाद में मुस्लिम नून की बड़ी विकटें भी गिरी जिले नाजम वहाँ पे तहरीक साहब छोड़कर मलिक सेदीक के नायब नाजम में सॉरी तरीके साफ में आगे अपने साथियों समेत तुरबत में बलोच आपको पता है कि बेगुना बलोच के जो कता था उस पर बिलाखिर एफ आई आर जो है वो उनहलकारों के खिलाफ कट की अवाम जीत की से लोगों धरना का धरना कामयाब इलेक्शन का शेडूल मैंने आपको बताया था लेकिन अलेक्शन मुलतवी होने की बात और अब इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि हमने तो शेडूल जारी नहीं अभी किया के पी और बलोचिस्तान में इलेक्शन मुलत करवाने की वारदात अनाउंस हुआ शेडूल चले दो चार तारीखें आगे पीछे करें भी एलेक्शन कमीशन की अगर बात आप मान भी लें तो इलेक्शन की तारीख तो आठ फरवरी है सोलह दिसंबर से पहले ने अनाउंस तो करना है अब अगर ये दो दिन पहले कर लें उम्मीदवारों की जांच पड़ताल का आगे हो जाए या इंतवी निशान का मामला आगे हो जाए लेकिन वजह क्या है ये बड़ा मामला क्यों इसको बना रहे हैं शेड्यूल अनाउंस करना चाहिए लाजमी खैबर पख्तूनख्वार बलोचिस्तान में सिक्योरिटी के नाम पर इलेक्शन मुलतवी करवाना चाहते हैं अभी निगरान गवर्नर का बयान फिर रहमान की सिक्योरिटी थ्रेट का मामला फिर का मौसम और बर्फबारी का बहाना फिर तरीके इंसाफ का ये जो ताकत का मुजाहरा इनके घुटनों में बैठ गया रहमान को अंदाजा है देखिए माजी में, में खान से टकराया अपनी आबाई नशिते हार गया ए एन पी ने खैबर पख्तूनख्वा में खान से पंजा अबाई करने की को कोशिश पूरी पश्तून बेल्ट ही लूज कर गए नून लीग ने पंजाब में रेत का किला पंजाब का बनाया हुआ था धड़ाम से नीचे गिरे और हमायत करने वाले जो इस वक्त ताकतवर लोग होंगे नौजवानों को खो बैठे सुप्रीम कोर्ट टकराई इज्जत खत्म होगी गई मेन स्ट्रीट मीडिया टकराया खान से क्या हुआ मुंह फेरने की इन्होंने कोशिश की मीडिया की डार्लिंग से लोगों ने इन्हें देखना ही छोड़ दिया मौलवी टकराया टकराया उसका हलवा मंडा ही फारक अब कोई रास्ता नहीं है इलेक्शन इन इलाकों में मनसूख करने के अलावा पीपल्स पार्टी अपने आपको जमहरी जमात कहती है उसका जो आज वफाकी वजीर पुराना अब्दुल कादिर बलोच कहता है इन इलाकों में जहां सिक्योरिटी के हालात ठीक नहीं वहाँ इलेक्शन बाद में करवाएंगे निगरान वीर दाखिला अकबर बुखती सॉरी सरफराज बुकती पहले कह चुके हैं बात कि इलेक्शन करवाना हमारे लिए इन हालात में मुमकिन ही नहीं ये हसास इलाके हैं और आपको पता है कितने इलाके हैं ये तकरीबन दस के करीब नशस्तें बनती हैं टोटल और ये हालात मस्तोंग और उस इलाके के जो इर्द गिर्द वहाँ और खैबर पखतूरखा में जहाँ कह रहे हैं जी खतरा ज्यादा है कालादन तंजीमों से अब ये उन इलाकों की बात हैं जहाँ पे इनके अहम रहनुमाओं को बचाने का और कोई रास्ता नहीं अभी देखें फजलरहमान नवाज शरीफ से मुलाकात करके गया तय हुआ कि हमारे तो हालात टाइट है भाई चौंतीस फीसद आपको पता है मसाइल इनके लिए वहाँ करें कहते हैं जी वहाँ तो इलेक्शन हो ही नहीं सकता हमारे हमले बढ़ गए चौंतीस फीसद अभी जुनेद सलीम साहब ने बड़ी अच्छी बात की खान को कह रहे हैं कि इलेक्शन में बल्ले का निशान भी हो खैबर पख्तूनख्वा में आपकी हुकूमत भी हो आप अपोजीशन में भी बैठ जाए लेकिन एहत तहरीक नहीं चलाएँगे खामोशी से बस आके अपोजिशन करें यह खान से सुख बात करता जब एकस, कर, जब एक्सरसाइज करता है खान एक्सरसाइज के टाइम पर किसी और चीज़ पर फोकस नहीं करता एथलीट सारे जानते हैं आपको फोकस करना इसीलिए वो कानों में लगाए भी होते हैं अक्सर सुनने वाले वो जलसा नहीं था ये वर्कर कन्वे की यह हालत थी कि पुलिस को रास्ते में छह गुना छह जगह रोकने के लिए रुकावटे जगह जगह पानी छोड़ा खत गई खोटी लोगों ने खुद लेवल प्लेइंग फील्ड की बलडोजर ला के अब एक ऐलान किया जाना मिल ग्राउंड पर पहुंचे वहां सारे पहुंच के फिर आगे वो रैलियां देखें इसके शेर अफजल की आपको सारे सोशल मीडिया भरा हुआ है मरवत नाम की वजह से लकी मरवत यूनिवर्सिटी बैन कर दी इन्होंने लेकिन शेर अफजल मरवत बड़े स्टाइल से तमाम रुकावटें अबूर करते हुलिया बदल जेम्स बॉन्ड स्टाइल बिल्कुल इमरान खान के चाहने वाले असल में मौजूद है मोहब्बत करने वाले वहाँ पाकिस्तानी मौजूद है नारा है कि हम थान तेरे जानसार बेशुार बेशुार हर तरफ कह रहे हैं वो नौ करोड़ थे हम चौबीस करोड़ हैं लाओ तराजू दोल तोल के दिखाओ साडा बल्ला भारी और पंजाबी में नारे मार रहे थे वर्कर कन्वेंशन में पंजाब को सुनाने के लिए फिर लाहौर ये पीछे नहीं रहे उन्होंने कहा पख्तूनों की रवायत है तो हम भी उन्नीस की जंग में टैंकों के नीचे लेटने वालों की बुला दे हमें कौन रोकेगा लाहौर में बाइक रैली निकली और बड़ी तगड़ी बाइक रैली निकली अब ये देखें ये जुलूस निकाल के लाहौरियों ने साबित किया जिंदा दिल लोग नहीं डरते पंजाब के लोग भी नहीं हथियार डालेंगे जुल्म और बरबरीत के बावजूद नौजवान बदजन नहीं हो रहा बड़ी खूबसूरत अच्छी बात यह जिंदा लाश ले है लंदन से बदबूदार लाश को लोग कबूल करने में तैयार नहीं है इसीलिए अब अमरीका से आखिरी पैगाम लाना है कि क्या करना है अब हदायात है क्या मामला है इसको किस तरफ लेके जाए एक सियासतदान को जेल से निकालना है दूसरा अपनी बका की जंग अपने बच्चों की लड़ रहा है बच्चों की सियासत की और तीसरी तरफ बिलावज जरदारी कोशिश कर रहा है और नून लीग उसको जवाब क्या दे रही है कहते हम इसकी बातों का जवाब नहीं देना चाहते कि इसका बाप इसको संजीदा नहीं लेता हम क्यों ले ख़ुद इसके बातों की तरदीद इसका बाप आसिफ जरदारी करता है पंद्रह सालों से इनका बेड़ा गरख किया कारकर ही बुनियाद ये, ये बातें कौन कर रहे हैं नून लीग वाले इसकाम पार्टी और नून लीग जो एडजस्टमेंट के लिए फहरिस्तें बना रहे हैं में बड़ी सादा सी नून लीग ने अपनी ऐसे खोल के रख दी कि खान के साथ अकेले तो हम सोच भी नहीं सकते सोलह सत्रह या बाईस जमातें तक खान के खिलाफ मिलकर लड़ेंगी अच्छा माजी में हमेशा इन्होंने ऐसे ही किया मैंने जिस भुटो को हराने के लिए आई जिया इस्तलाल पार्टी वही बनाई हमेशा शेर के शिकार के लिए इकट्ठे होते हैं ज़्यादा इस्टबलिशमेंट को मियाँ साहब ने कहा दो तिहाई अक्सर यह दें उन्होंने मजाक किया कहाँ से दो तिहाई दे आपको अच्छा आपकी तो पंचानवे फ़ीसद है आप उसमें से थोड़ी सी दो तिहाई मुझे दे दें हिसाब करें उस हिसाब से तो बहाल पे दोनों खामोश ही हो गए अभी सोशल मीडिया पर सहाफ़ियों की तरफ से साहबा गाजी ने ट्वीट भी की और दो दो तीन दोस्तों ने पैगाम भेजे इमरान से कन्फर्म करना था लेकिन वक्त नहीं मिल सका वो कन्फर्मेशन का लेकिन मुझे लोगों पर एतम है खबर उन्होंने दी कि ओन चौधरी इस पार्टी के इमरान रियाज से रबता करने की कोशिश मुलाकात करना चाहते हैं इमरान रियाज उसे हकीकी मनों में धौड़ डाला और बड़ा जबरदस्त काम किया उसने कहा मुलाकात जरूर होगी बिस्मिल्लाह आए हमारे घर लेकिन जो कुछ होगा वीडियो पर होगा मेरे ख्याल में तो लाइव करना चाहिए था उसने कहा क्यों लाइव मुलाकात वीडियो उसने कहा पब्लिक में आप जिसके साथ है जिसके घर खाते रहे उस थाली में छेद करने वाले आप लोगों को कोई पता नहीं बाहर जाके क्या बताओगे क्या कहते रहे तुमने जिसका तोलिया पकड़ा इमरान के अल्फाज नहीं है जिसका पकड़ा या टिश्यू पेपर उठाते रहेगा के के रहे। और जानवर जो जो तो नहीं करता इमरान रियाजरी को वाकई तरीके से तो है, मैं अपने तरीके से बात करूं देखिए इज्जत और गैर तो यह बड़ा मामला है इंसान के लिए बड़ी अहम जिस, जिस घर में आप रहे जिसके साथ रहे उसके साथ थोड़ी सी वफा जरूर करनी चाहिए सिविलियन मिलिट्री केस की बात करता चलो साहि करेंगे बड़ा अहम मामला है सरदार तारक मसूद ये इनका एक बड़ा खास मखसूस जेन है ये बाईस जून को जब लागू हुए थे स्पेन से तो उनका एक नोट आया था अगर आप वो पढ़े नोट तो उसमें उन्होंने कानून को चैलेंज कर दिया उनका पहले तो मेरे सामने कोई केस ही नहीं है इस तरह का फिर आर्मी एक्ट के ट्रायल पर अगर एतराज हैं तो इन सदादे दहशत गर्दी में चलाना है केस तो इनफरादी मामला में लेकर आएँ दूसरे मानों में इस केस में मैं इसके हक में हूँ ये बड़ी अहम बात है और आर्मी चीफ अमरीका के दौरे पर पहुंचे आपको पता है वहाँ अमरीकी सेंट्रल जो मिलिट्री के लोग हैं गवर्नमेंट ऑफिशल से मुलाकातें होंगी और बड़ा अहम दौरा है इस दौरे में जो अहम नुकात हैं एक तो अफगानिस्तान वहाँ के महाजरीन को जो कलदम तंजीमों के ख़िलाफ़ दहशत गर्दी के ऑपरेशन है वो और ये जो अमरीकी नुमाइंदा आए थे थॉमस वेस्ट ये निगरान वजी खार्जा से मुलाकात करके इन्होंने फिर इसके भी मैंने बताया था दिसंबर चार से सात तक सीनियर अहदेदार भी आई हुई थी तीन दिन के दौरे पर इनका भी मकसद अफगान महाजरीन को बसाने का और वो पच्चीस हज़ार लोग जो अमरीका के लिए काम करते रहे इन्हें महफूज रख देखे कितना बड़ा मामला है अब चीफ के दौरे पर आसिफ दुरानी अफगानिस्तान में पाकिस्तान का जो खूसी नुमाइंदा है और दूसरे भी एक दुरानी साहब हैं वो भी हर दौरे में अब इंटीरियर के सेक्रटरी हैं ये अमरीका में पाकिस्तान की आपको पता है पाकिस्तान की जरूरत नहीं है अमरीका को अब वहाँ से निकल चुके हैं इस इलाके पर नजर रखनी है मफाद का तहफ़ करना है बीस साल यहाँ खर्च किए हैं अमरीका ने और एक खरब डॉलर लगाया है और पैंतीस सौ बंदा अपना तो इस मामले को आसानी से नहीं छोड़ सकते कभी जिंदगी में नहीं छोड़ सकते खान के साथ इख्लाफ अफगानिस्तान के मामले से शुरू हुआ था जो जाके यूक्रेन पर ख़त्म हुआ रूस पर मामला आप जानते हैं साइफर भी जिसमें साजिशें मुदाखलत सिक्योरिटी काउंसिल सारा है अमरीका का बड़ा अहम पैगाम जो पाकिस्तान को देना था वो आई एम एफ के जरिए दे दिया उन्होंने उन्होंने कहा जी जो भी मामलात हैं आपके इस वक्त माली अब मदद चाहिए तो मुनफाना इलेक्शन करवाएं आई एम एफ ने कह दी अमरीकी सफारतान ने पिछली दफा तो ही मामला में हल कराने में बड़ी मदद की थी और ये जो आई एम एफ के ऊपर भी दबाव डाला था ये इधर से ही पड़ा था वो जो डोनल्ड ब्लूम की मुलाकातें थी अब आजादाना मुनफाना पाकिस्तान में इलेक्शन होंगे तो कोई सिमत दुरुस्त होगी इंटरनेशनल ताकतें पाकिस्तान के मामले पर न्यूट्रल है चीन और अमरीका दोनों ये कह रहे हैं इलेक्शन होने दें जो हुकूमत आएगी देखेंगे उस मामले पर क्या होता है आई एम एफ से मामला हल करने के लिए अमरीका के अलावा फिलहाल कोई हल नहीं और कर्ज़ की जो शिदत है उसमें दिन ब दिन इजाफा है अब ये एक बहुत बड़ा संगीन मामला है क्योंकि मुल्क में जब सियासी इस्तेकाम ना हो तो माशी इस नहीं आ सकता इन्वेस्टर नहीं आ सकता सनतें नहीं चल सकती रोज़गार का पहिया नहीं चल सकता और इस बात पर तमाम मीशतदान मुतफ़ हैं इस मामले को हल करने का सादा तरीका फिर एलेक्शन और साफ मतलब तमाम पार्टियों को लेवल प्लेइंग फील्ड देगा अभी जावेद हाशमी साहब से मेरा बड़ा अहम इंटरव्यू हो चुका है आप वो इंटरव्यू सुने तो आपके कानों की खिड़कियां खुल जाएंगी आज आप कहेंगे ये है कि चलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा और चलने का एक ही रास्ता है कि आप पाकिस्तान में इस्तेकाम लेकर आए तहरीक इस्तेकाम नहीं सियासी इस्तेमाल इस एक ही सूरत में आ सकता है कि जब आप इतनी बड़ी जमात को अगर आप लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं देंगे तो कोई रास्ता आपके पास नहीं कि आप किसी सूरत में भी किसी सूरत में भी इन्वेस्टर्स को ला सके अमेरिका छोड़ बरतानिया छोड़ जो मर्जी आपके साथ खड़ा हो जाए अरब ममालिक ये तमाम के तमाम पैसे दे सकते हैं लेकिन ये एक शर्त पर कि इन्हें पैसे वापस आने का पाकिस्तान को हालात चलते नजर आए देखें आप खुद सोचें आपकी जेब में अगर कुछ पैसे हो कोई बंदा आपसे कहे कारोबार में डालो क्या आप एक ऐसी दुकान में डालेंगे जिसके बाद रोजाना झगड़ा चल रहा हो रोजाना मारपीट चल रही हो रोजाना वहां पे स्ट्राइक चल रही हो दुकान के अंदर करप्शन की अलग एक मामला चल रहा हो जब माँ उस घर के जो अंदर जो काम करने वाले दुकानदार और उसके बेटे के दरम्यान मामलात ही ना ठीक हो आप वहां इन्वेस्ट करेंगे आप नहीं करेंगे ये कॉमन सेंस की बात हो तो इतने बड़े मुल्क में इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कौन करेगा तो इन सारे मामलात पे इलेक्शन के शेड्यूल पे इंशाल्लाह जो वो सारी बातें अभी जावेद हाशमी साहब से करते हैं मेरे साथ रहिएगा अगला वीला भूलना नहीं आपने अल्लाह हाफिज